हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 8 और तैयार मैं हो चुकी हूँ। बस अभी ब्रेकफास्ट करना है और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ टू डू लिस्ट और आज मैं बस 2 लेक्चर्स देखूँगी, एक रोटेशन का और एक केमिस्ट्री का, केमिकल इक्विलिब्रियम। और बायो में आज लेक्चर नहीं देखूँगी क्योंकि मुझे कल के टेस्ट के लिए रिवीजन करनी है। बायो में मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, लेक्चर मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के ही करूँगी आज। और उसके अलावा आज मैं रिवाइज़ करूँगी वर्क पावर एनर्जी, लोकोमोशन थोड़ा सा जितना टेस्ट में आएगा, प्लांट किंगडम पूरा और फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये सब। तो सबसे पहले मैं देखने लग रही हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का 4th लेक्चर, तो इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद देखूँगी रोटेशन वाला लेक्चर। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और केमिस्ट्री का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं देखने लग रही हूँ फिज़िक्स का लेक्चर और उसके बाद मैं करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने कहा, बायो का लेक्चर आज नहीं कर रही, उसकी जगह मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और रिवीजन तो करूँगी ऑफ कोर्स, जो प्लांट किंगडम और लोकोमोशन की करूँगी, और लेक्चर नहीं देखूँगी बस। तो आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, सबसे पहले तो मैं DPP लगाती हूँ और सेकेंड मैंने एनरोल कर रखा है अभ्यास बैच में। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड नीट प्रेप एसेंशियल ऐप एंड एनरोल इन दिस बैच एंड ट्रस्ट मी, दिस ऐप इज़ सो गुड यार। आपको दोनों न्यू और ओल्ड NCERT में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें से, और आप पेज वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जो जो पेज NCERT में से पढ़ते हो, साइड बाय साइड आप उस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप आंसर मार्क करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने उसको सही किया है और कितनों ने गलत, जिससे आपको कंपटीशन का भी पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको उसकी NCERT की लाइंस भी मिल जाएंगी जहाँ से वो क्वेश्चंस दिया गया है। NCERT की लाइन के साथ साथ आपको इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, वीडियो सॉल्यूशन सुनो आप। बींस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है, उसके बिना ये लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सेक्शन ऑफ बेयर रॉक। सही बात है, अलॉन्ग विद द लाइकेन दे हेल्प इन सक्सेशन ऑन रॉक। ठीक है, सक्सेशन क्या होता है? ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पहले एक कम्युनिटी, फिर दूसरा, तीसरा। तो जब रॉक पे होगा तो सबसे पहले लाइकेन आएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशन में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन, एंड ऑल्सो NCERT की लाइन भी मेंशन की हुई है कि कहाँ से वो क्वेश्चन दिया गया है। जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर ईयर्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये AIPMT 1998 का क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने ये गलत कर दिया है। अब जो आंसर आप गलत कर देते हो तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो सो दैट आप बाद में उसको रिवाइज कर सको, एंड दिस इज सच अ गुड फीचर। आपको सारे क्वेश्चन दोबारा ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि आपने क्या गलत किया, आप जो गलत कर रहे हो सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। एंड यही सेम चीज़ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी मिलेगी। एंड नाउ माई फेवरेट पार्ट, आपको इसके साथ एक NCERT का PDF मिलेगा जहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क्ड मिलेंगे, तो आप उस पैराग्राफ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड एनरोल इन दिस बैच। और एक आपके पास ऑफर है जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, कि अगर आप
एनरोल करते हो और आपको बैच समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, जो कि ऐसा होने नहीं वाला, बट स्टिल अगर आपको पसंद नहीं आता है देन यू विल गेट 100% रिफंड विद इन 3 डेज. और जो आपको NCERT की PDF कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेड टाइम ऑफर. तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो और पढ़ाई करो कहीं से, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहीं से. तो अभी बज रहे 11:21 और फिज़िक्स का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है. आज के दिन के 2 लेक्चर्स देखने थे, दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं करने लगूंगी वर्क पर एनर्जी रिवाइज. काफ़ी बड़ा चैप्टर है बट हाँ मुझे आता है, बट फिर भी टाइम तो लगेगा ही क्योंकि सारे क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करूँगी मैं नोट्स के. तो अभी बज रहे हैं 4 और मेरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है बट हाँ आधा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर. और आज मैं लंच लाना भूल गई थी, टेबल पे छोड़ दिया था मैंने घर में गलती से. तो लंच भी मैंने लेट किया क्योंकि फिर पापा देने आए थे लाइब्रेरी में और फिर मैंने लंच किया और अब मैं बैठ रही हूँ दोबारा पढ़ने. ये बस एंड के 13 पेजेस बचे हैं, बाकी मैंने कर लिया है तो इसको पहले कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मिलूँगी. तो अब मेरे 9 पेजेस रह रहे हैं एंड के, बाकी सारा मेरा हो चुका है ये चैप्टर. और अब ये बचा हुआ चैप्टर मैं घर पे करूँगी, अब मैं बहुत बोर हो गई. साथ साथ में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं बट अब बाकी का मैं घर पे करूँगी. फ़िलहाल मैं करने लग रही हूँ प्लांट किंगडम रिवाइज. तो अभी बज रहे हैं 7 और प्लांट किंगडम मेरा डन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर. घर पे करूँगी वो वर्क पर एनर्जी, बचा हुआ रिवाइज करूँगी जो 9 पेजेस बचे हैं. तो अभी 8:30 हो रहे हैं और 7:30 बजे मैं घर आई थी और अभी मेरा लोकोमोशन रह रहा है और लोकोमोशन रह रहा है, फ्रिक्शन और सर्कुलर मैंने कर रखा है बट फिर भी एक और बार देखना तो ये रह रहा है. और वर्क पर एनर्जी के लास्ट के 9 पेजेस रह रहे हैं. तो अभी सबसे पहले लोकोमोशन करती हूँ, बस 2 पेज का है, जल्दी से करती हूँ, इतने मेरा डिनर आ रहा है. और फिर डिनर करने के बाद बचा हुआ वर्क पर एनर्जी करूँगी और ये नहीं लगता मेरे को आज कर पाऊँगी. वैसे कर रखा है मैंने बट स्टिल आज नहीं हो पाएगा ये. तो अभी मैं लोकोमोशन स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल 5 मिनट का काम है. तो अभी 9 बज रहे हैं और डिनर मैंने कर लिया है, लोकोमोशन भी मैंने साथ में रिवाइज कर लिया है. अब मैं करने लग रही हूँ वर्क पर एनर्जी के लास्ट के 9 पेजेस रिवाइज.
लग जाएगा एक आध घंटा इसमें, या फिर शायद ज़्यादा, बट इसको करके सोऊंगी, शायद ये भी कर लूँ, पता नहीं, अभी फ़िलहाल ये कर रही हूँ। तो अभी हो रहे हैं 11:30 और शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए हैं और चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, वर्क पावर एनर्जी। अब बस ये रहता है फ्रिक्शन सर्कुलेशन सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन, ये मैं सुबह देख लूँगी, 10 मिनट देखना है बस शॉर्ट नोट्स में। अभी मेरे को एक और काम है, तो बस अभी मैं और कुछ नहीं पढ़ रही, दिखा देती हूँ, रुको, कहाँ है ये रहा, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, लिटरली यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5 मिनट का, तो इसको मैं कल करूँगी। तो कल मुझे अभी करना है फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फंजाई वायरॉइड्स देखना है मुझे, थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स देखने हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के टाइट्रेशन वाला पार्ट देखना है, तो लगेगा टाइम कल भी। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ और ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।